नमस्कार। ये शत्रु प्रॉपर्टीज क्या होती है? अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि केंद्र सरकार शत्रु प्रॉपर्टी बेचकर 1,00,000 करोड़ रुपए की कमाई करेगी। अब ये शत्रु प्रॉपर्टी क्या है जो सरकार 1,00,000 करोड़ रुपए की कमाई कर देगी? इतनी प्रॉपर्टीज क्या है और ये कहां से आएगी? शत्रु प्रॉपर्टीज क्या है आइए देखते हैं। शत्रु प्रॉपर्टीज 1962 में युद्ध हुआ, 1965 में युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ में, 1962 में चीन के साथ हुआ और 1971 में पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ। जब पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ तब एक दूसरे देश के नागरिक पलायन हुए। भारत के यहां के कुछ लोग यहां से अपनी सारी प्रॉपर्टीज, धंधे और सारे खेत खलियान छोड़कर पाकिस्तान में बस गए। पाकिस्तान के कुछ लोग वहां पर फैक्ट्रीज, काम धंधा, सारे बैंक बैलेंस और सारे खेत खलियान छोड़कर भारत में बस गए। जब ये एक दूसरे का आदान प्रदान हुआ तो कुछ लोग यहां के कुछ लोग यहां से जाकर पाकिस्तान में बस गए तो उनकी प्रॉपर्टीज को भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, उसको शत्रु प्रॉपर्टीज कहते हैं। और पाकिस्तान में कुछ लोग वहां से छोड़कर भारत में आए तो उनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान ने कब्जे में ले ली, तो इस प्रकार से इसको शत्रु प्रॉपर्टीज कहा जाता है। 1962 में भारत रक्षा अधिनियम बना, इसी के अंदर अंतर्गत शत्रु प्रॉपर्टीज को कब्जे में लेने का अधिकार भारत सरकार ने ले लिया। भारत रक्षा अधिनियम के तहत 1962 में कानून बना। पाकिस्तान के ही नहीं, कुछ चीनी नागरिक भी थे जो भारत को छोड़कर चीन में बस गए, उनकी भी प्रॉपर्टीज थी, वो भी भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। हालांकि 1966 में ताशकंद में एक समझौते का प्रयास हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। यह प्रयास हुआ कि यार आपके लोग भी हमारे इधर आ गए और हमारे लोग भी आपके इधर आ गए, तो दोनों की प्रॉपर्टीज भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो अपने अपने लोगों को प्रॉपर्टीज दी जाए। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने यह किया कि भारत के लोगों की जो प्रॉपर्टीज थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने पहले ही बेच दी, तो फिर भारत ने भी अपना हाथ खींच ली। पाकिस्तान के लोगों की जो प्रॉपर्टी भारत में थी भारत ने अपने कब्जे में ले लिया और फिर भारत ने कहा कि अब ये पाकिस्तान के लोगों को नहीं दी जाएगी, भारत के पास ही रहेगी और भारत ही इसको बेचेगा। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अभी 12,611 प्रॉपर्टीज हैं, मेन लोकेशन पर, अच्छी अच्छी लोकेशन पर 12,611। इससे अनुमान है 1,00,000 करोड़ रुपए तक की कमाई भारत सरकार कर सकती है, यह अनुमान है। यह प्रॉपर्टीज 20 राज्यों में फैली है, सबसे ज्यादा यह प्रॉपर्टीज यूपी में है, शत्रु प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा। 12,485 पाकिस्तानी नागरिकों की यह प्रॉपर्टी से, ध्यान रखना 12,485 पाकिस्तानी नागरिकों की यह प्रॉपर्टी है और सिर्फ 126 चीनी नागरिकों की यह शत्रु प्रॉपर्टी है। तो ये शत्रु प्रॉपर्टी ये होती है।